Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Dual College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the concept of home as an agency of education. Means, parivar, shiksha ke abhikaran ke roop mein, kis prakar apni bhumika nibhata hai. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful as well as interesting for all of us. एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ये एकदम शुरुआती में जब आप बी ए पार्ट वन या बी एड में पेपर पढ़ते हैं एजुकेशन वाला, फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन या प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इस तरह से जिसमें कंसेप्चुअल बातें होती हैं उसमें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को कवर किया जाता है. बेसिक कंसेप्ट है, आसान भी है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए. तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं शिक्षा को प्रसारित करने का कार्यक्रम कर रही हैं, अभिकरण बोलते हैं इसको हिंदी में. तो भाटिया साहब ने 1994 में कहा कि सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड सेवरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, कि समाज ने बहुत सारे विशेषीकृत इस तरीके से संस्थाएं बनाई हैं जो कि शिक्षा के कार्य को संपादित करते हैं. दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, और यही इन संस्थाएं शिक्षा के अभिकरण के रूप में या शिक्षा की एजेंसी के रूप में जानी जाती हैं. थ्रू दीज एजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, होम है आपका, स्कूल है, कम्युनिटी है, स्टेट है, मास मीडिया है, टीवी है, जू, लाइब्रेरी, सब किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों को, इंडिविजुअल्स को शिक्षित करने का काम करती हैं. द चाइल्ड डेवलप्स द इथॉस ऑफ द कल्चर, जो संस्कृति का इथॉस है, संस्कृति का जो मूल है वो विकसित होता है बालक में, एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी सामाजिक मूल्य भी वो सीखता है. In addition, through these agencies, children gain awareness of the world around them, develop certain attitudes towards certain things in their environment, negative, positive, or indifferent, and master certain skills, both social and individual, which help the individual in overall mastery of the environment and of himself. तो ये एजेंसियां क्या काम करती हैं कि इनके द्वारा जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक अवेयरनेस पता चलती है उनके इर्द गिर्द जो संसार है उसके बारे में. कुछ अभिवृत्तियां उनके अंदर डेवलप होती हैं कुछ चीज़ों के प्रति वातावरण में, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव या इनडिफरेंट, उदासीन हो सकते हैं वो, और वो कुछ स्किल्स, कुछ कौशलों पर मास्टरी हासिल करते हैं, वो सामाजिक हो सकती हैं, इंडिविजुअल हो सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो ओवरऑल मास्टरी वो करता है इन्हीं एजेंसीज के द्वारा एनवायरनमेंट और अपनी, मतलब खुद पर और अपने वातावरण पर स्वामित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है. अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें, पहले तो ये देख लें कि क्या क्या है, इनके किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, फिर आप एक एक को जान लीजिए. तो मेनली मतलब एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन का इसका बेसिस है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज. फॉर्मल एजेंसीज मतलब औपचारिक रूप से उनको बनाया इसलिए गया है कि आप शिक्षित हो सकें, शिक्षा मिल सके किसी ना किसी रूप में, और इनफॉर्मल एजेंसीज जो इनफॉर्मली और कार्यक्रम को करते करते भी आपको शिक्षित करते हैं. तो जो फॉर्मल एजेंसी, ये क्लासिफिकेशन आपको कहीं कहीं ओवरलैप भी मिल सकता है. तो फॉर्मल एजेंसीज में स्कूल का गठन ही शिक्षा देने के लिए हुआ है, लाइब्रेरी, पिक्चर गैलरी से भी आपको कुछ कुछ शिक्षा दी जाती है, गेम्स भी हमको शिक्षित करते हैं कि कोऑपरेशन है, इंडिविजुअल लीडरशिप है ना, ये सारी बातें. सिनेमा थोड़ा सा कहीं कहीं ये बाद में आपके क्लासिफिकेशन में कमर्शियल में चला जाएगा, तो सिनेमा इसका कहीं डिबेट भी हो सकता है कि हमने आपको शिक्षित करने के लिए नहीं बनाया है, हम तो सिर्फ यथार्थ बता रहे हैं. तो बहुत तरीके का सिनेमा है, सिनेमा भी डाल रखा है इसमें. एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टीवी एक्सेट्रा जो चला जाते हैं वो तो इसीलिए चलाए गए हैं कि आपको शिक्षित करना है, तो ये औपचारिक अभिकरण है. अनौपचारिक, जिनका मेन काम शिक्षा देना नहीं है पर वो शिक्षा देते हैं, जैसे फैमिली हो गई, आपका परिवार, आपकी कम्युनिटी, आप जिसमें रहते हैं, आपका धर्म, मार्केट प्लेस, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस जो मेले और प्रदर्शनियां होती हैं, मीडिया, फ्री प्ले एटसेट्रा. एक और तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है एक्टिव और पैसिव, यानी कि एक्टिवली जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और पैसिवली जो कर रहे हैं, मतलब जो सक्रिय रूप से कर रहे हैं और जो निष्क्रिय रूप से कर रहे हैं. तो सक्रिय रूप से कौन कौन हमको शिक्षा देने का काम कर रहा है, ये देखिए इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग इसमें गलत है, एक्चुअली मैंने वहीं से एज इट इज लिया है इसको कट कॉपी. तो स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, स्टेट, सोशल क्लब, गेम्स और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हमको एक्टिवली शिक्षा देने का काम करता है, जबकि पैसिवली सिनेमा, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा. एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लिया है. तो उसमें फॉर्मल में हो जाएगा आपका स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू, आर्ट गैलरी, ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि फॉर्मली आपको शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं. इनफॉर्मल में हो जाएगा फैमिली, स्टेट, जनरल गेम्स, कम्युनिटी, सोसाइटी एक्सेट्रा. कमर्शियल में आपका रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, और नॉन कमर्शियल में स्पोर्ट्स क्लब, सोशल वेलफेयर सेंटर्स, ड्रामेटिक क्लब, स्काउट गाइड, यूथ क्लब, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एक्सेट्रा.
तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन आपको बताना चाहिए। कुछ एजेंसियां बनाई ही शिक्षा देने के लिए गई हैं और कुछ उनके मेन काम अलग हैं, लेकिन वो हमको साइड बाय साइड शिक्षित भी करती हैं, है ना। फिर हमको आते हैं होम एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मतलब आपको क्लासिफिकेशन भी जानना जरूरी था, और सिर्फ क्लासिफिकेशन का अगर करते तो वो छोटा हो जाता बहुत, इसलिए मैंने इसी में, चूंकि ये पहला एजेंसी ऑफ एजुकेशन का वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसी में मैंने आपसे क्लासिफिकेशन भी बात कर ली है। अब होम या जो परिवार है वो शिक्षा का अभिकरण किस प्रकार से है, तो सभी जानते हैं कि होम फैमिली इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण ये शिक्षा देने के लिए है। इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सभी सामाजिक संस्थाओं की ये संगठनों का ये बेसिक फाउंडेशन है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल द पेरेंट्स हैव बीन द चीफ टीचर्स एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड। हमेशा से ही जो पेरेंट्स हैं वही जो विद्यार्थी है, बालक है, उसके मुख्य शिक्षक रहे हैं, क्योंकि जन्म लिया है उसने, आपको पहली शिक्षा, पहले मूल्य, पहले संस्कार परिवार से मिलते हैं। एंड होम इज द फर्स्ट स्कूल, और पहला स्कूल, आप विद्यालय जाने से पहले भी तो हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं ना, और 2-3 सालों में बच्चा बहुत सीख जाता है। द मदर इज राइटली सेट टू बी द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, माँ है जो सबसे पहले हमको बताती है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड होम इज द प्राइमरी इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और परिवार ही हमारा प्रमुख अनौपचारिक शिक्षा देने का इंस्टीट्यूशन है। और चाइल्डहुड, और सबसे खास बात ये भी है कि जो चाइल्डहुड या इन्फेंसी है, जो शैशवावस्था है, जो बचपन है, वो मोस्ट इम्प्रेशनेबल होता है, मतलब उस पर आप इम्प्रेशन बहुत जल्दी डाल सकते हैं। तो जो अर्ली ईयर में बच्चे को घर से जो अनुभव मिलते हैं वो बहुत कुछ उसके फ्यूचर को डिस्क्राइब करने में, उसको शेप देने में काम आता है। इसलिए भी जो घर है उसकी भूमिका, परिवार की भूमिका बढ़ जाती है, और बालक का व्यक्तित्व कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, सारा डेवलपमेंट की बेसिक फाउंडेशन उसको होम या फैमिली से ही मिलती है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ठीक है, तो इसके कुछ काम हैं, कौन कौन से काम हैं। होम हैज सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज ए सोशल बीइंग, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको समाज में रहना है, तो जो परिवार है वो बहुत सारा, मतलब मनुष्य को, व्यक्ति को, बच्चे को एक सामाजिक मनुष्य बनाने के लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे उसका सामाजिकरण करता है, उसका सांस्कृतिकरण करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या वी फीलिंग हमको घर से आती है, या हम जिसके संग बहुत अच्छा फील करते हैं, हम कहते हैं ना वो हमारे घर जैसा है, ऐसे बोलते हैं ना। प्रोपेगेटिंग रिलीजियस फेथ, और हम अपने धार्मिक आस्था को प्रोपेगेट करते हैं घर के थ्रू, और उसको नैतिक शिक्षा देते हैं, मतलब सामाजिक शिक्षा देते हैं, उसको संस्कृति के बारे में बताते हैं, उसको वी फीलिंग हम फील कराते हैं, धार्मिक और नैतिक शिक्षा उसको देते हैं। एवरी सोसाइटी रिलाइज अपॉन सेवरल सोशल इंस्टीट्यूशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वन और बोथ ऑफ द सोशल फंक्शंस। प्रत्येक सोसाइटी अपने सोशल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करती है कि वो ये सोशल काम करेगी, कौन कौन से, टू हेल्प परपिचुएट द सोसाइटीज कल्चर, जो समाज की जो संस्कृति है उसको परपिचुएट करा जाएगा, और टू फैसिलिटेट दी प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, और सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाया जाएगा। कहते हैं ना एजुकेशन इज द एजेंट ऑफ सोशल चेंज, शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो ये दो जो बेसिक फंक्शन है सोशल इंस्टीट्यूशन के, वो फैमिली के भी सोशल फंक्शन है, मेन फंक्शन है कि हम सामाजिक संस्कृति को प्रोपेगेट करेंगे, फैलाएंगे और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे। होम परफॉर्म्स द मोस्ट पिवोटल रोल, एकदम केंद्रीय भूमिका निभाता है। वी फीलिंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली दैट मेक्स इंटरनलाइजेशन पॉसिबल, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं, मेरा भाई ऐसा कर रहा है, मेरी बहन ऐसा कर रही है, मेरे माँ बाप ऐसा करते हैं, इसलिए ये आंतरिकरण हमें हो जाता है। द मॉरल इथॉस एंड द एंटायर वैल्यू सिस्टम आर पिक्ड अप बाय द चाइल्ड एंड रीइंफोर्स्ड बाय द पेरेंट्स, है ना। देन उसके कुछ एजुकेशनल फंक्शंस भी हैं, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, व्यक्ति का, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास घर से ही हो रहा है, उसको ज्ञान, कौशल, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर्स मिल रहे हैं। इमोशनल वेलबींग, हम उसको सामाजिक रूप से कितना स्वस्थ बना रहे हैं, उसकी मानसिक स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं, उसको कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द एजुकेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, वो कितना पढ़ेगा आगे जाके, और वोकेशनल ट्रेनिंग, हर घर कुछ ना कुछ वोकेशन अगर वहाँ चल रहा है तो उसकी ट्रेनिंग भी अपने बच्चे को देता है। तो इस तरीके से वो इम्पोर्टेंट फंक्शन हुए जिसमें सोशलाइजेशन था, एकल्चरेशन था, वी फीलिंग थी, रिलीजियस फेथ था, मॉरल एजुकेशन था। इसके अलावा सारे फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया आपका, वैल्यू ओरिएंटेशन हो गया, एजुकेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हो गया, ये सारा भी परिवार जो है वो बच्चे को शिक्षित करता है। इस प्रकार से कहा जाएगा कि जो परिवार है, जो घर है आपका, वो सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक संस्था है शिक्षा देने के लिए। ओके, तो इस तरह से होम कवर हो गया, इसी तरह से स्टेट, सोसाइटी, कम्युनिटी और आपका जो भी कोर्स पे है वो कवर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।